पंखों की जरूरत पंछियों को है, तुम बस हौसला रखना। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू जयप्रकाश आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के हिंदी MCQ सेशन में। उम्मीद है आप सभी कुशल मंगल होंगे। आइए शुरू करते हैं आज के टॉप 20 प्रश्न। प्रश्न एक, विद्यालय का सही संधि विच्छेद कीजिए। ए विद्य जोड़ालय, बी विद्य जोड़ोलय, सी विद्या जोड़ालय, डी विद्या जोड़ालय। सही उत्तर है डी विद्या जोड़ालय। प्रश्न दो, महात्मा शब्द में कौन सा समास है। ए अव्ययी भाव, बी कर्मधारय, सी बहुव्रीहि, डी तत्पुरुष। सही उत्तर है बी कर्मधारय। प्रश्न तीन, दशानन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है। ए यौगिक, बी रूढ़, सी योगरूढ़, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सी योगरूढ़। प्रश्न चार, निम्न में से झील का समानार्थी शब्द नहीं है। ए दह, बी वापी, सी बावड़ी, डी झीलम। सही उत्तर है डी झीलम। प्रश्न पाँच, झील का तत्सम शब्द है। ए क्षार, बी क्षीर, सी पोखर, डी सरोवर। सही उत्तर है ए क्षार। प्रश्न छह, झील शब्द है। ए पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, सी उभलिंग, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है बी स्त्रीलिंग। प्रश्न सात, झील में कौन सी संज्ञा है। ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी भाववाचक संज्ञा, सी जातिवाचक संज्ञा, डी परिमाणवाचक संज्ञा। सही उत्तर है सी जातिवाचक संज्ञा। प्रश्न आठ, छाती के बल चलने वाला के लिए एक व्या शब्द क्या होगा। ए कुरंग, बी उर्ग, सी तुरंग, डी भुजंग। सही उत्तर है बी उर्ग। प्रश्न नौ, काठ की होड़ी बार बार नहीं चढ़ती का आशय है। ए बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, बी दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती, सी लकड़ी की बर्तन अग्नि से जल जाता है, डी छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। सही उत्तर है डी छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। प्रश्न दस, निम्नलिखित में कौन देशज शब्द है। ए हैजा, बी जूता, सी कीमत, डी देहात। सही उत्तर है बी जूता। प्रश्न ग्यारह, बर्बरता शब्द का समानार्थी होगा। ए अत्यंत, बी अस्तित्व, सी नृशंसता, डी निर्माणाधीन। सही उत्तर है सी नृशंसता। प्रश्न बारह, दिए गए विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। ए नृप, बी वृष्टि, सी रात्रि, डी वर्षा। सही उत्तर है ए नृप। प्रश्न तेरह, चंद रुपये बचाने के चक्कर में कई लोगों को शर्मसार होना पड़ा। इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का भेद पहचानिए। ए विभाग बोधक, बी निश्चित परिणामवाचक, सी निश्चित संख्यावाचक, डी अनिश्चित संख्यावाचक।
सही उत्तर है डी, अनिश्चित संख्यावाचक। प्रश्न 14, चरण कमल बंदो हरि राय में कौन सा अलंकार है? ए श्लेष, बी यमक, सी रूपक, डी अनुप्रास। सही उत्तर है सी रूपक। प्रश्न 15, वीरों का कैसा हो बसंत में किस रस की सृष्टि हुई है? ए अद्भुत रस, बी वीर रस, सी विभत्स रस, डी श्रृंगार रस। सही उत्तर है बी वीर रस। प्रश्न 16, निम्न में कौन मात्रिक छंद है? ए रोला, बी दोहा, सी चौपाए, डी ये सभी। सही उत्तर है डी ये सभी। प्रश्न 17, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? ए दो, बी तीन, सी चार, डी पांच। सही उत्तर है डी पांच। प्रश्न 18, हिंदी किस परिवार की भाषा है? ए पापुई, बी ताकेसी, सी भारोपिया, डी सामी हामी। सही उत्तर है सी भारोपिया। प्रश्न 19, गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जीवनी है? ए कर्मवीर गांधी, बी बापू, सी श्री गांधी, डी अकाल पुरुष गांधी। सही उत्तर है सी श्री गांधी। प्रश्न 20, बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखाचित्र हैं? ए सेतुबंध, बी रेखाचित्र, सी उपर्युक्त दोनों, डी स्मारिका। सही उत्तर है सी उपर्युक्त दोनों। और ये है पिछले सेशन में पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर। और ये है आज का प्रश्न, इसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इसी के साथ आज के टॉप 20 प्रश्न पूरे हुए। उम्मीद है आज आपने कुछ नया सीखा होगा जो निश्चित ही आपकी परीक्षा में मददगार सिद्ध होगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके अपने भाइयों, बहनों, दोस्तों और अपनी सहेलियों के साथ शेयर अवश्य करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। अगले सेशन में फिर इसी चैनल पर इसी समय आपसे मुलाकात होगी और फिर नए प्रश्नों पर बात होगी। तब तक आप बने रहिए MCQ मास्टर के साथ। धन्यवाद।